अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ईआर मॉडल का हम करते हैं इंट्रोडक्शन के ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल ये क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। ईआर मॉडल मतलब कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा। अच्छा, इसमें क्या होता है, सिंपली जो हमारे डेटाबेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होती है ईआर मॉडल से या ईआर डायग्राम से। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसके जरिए क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डेटाबेस की। सिंपली इसमें ये चीज़ आती है। अब इसमें कुछ डायग्राम है तो इसमें कुछ सिंबल्स होंगे, सिंबल्स को स्टडी करते हैं। पहले ये रेक्टेंगल शेप, ये रेक्टेंगल शेप जो है ये यूज़ होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो किसी और एंटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फिर हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल शेप के अंदर अगेन एक रेक्टेंगल, ये होता है वीक एंटिटी के लिए। ऐसी एंटिटी होती है जो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। फिर ये हमारे पास ओवल शेप है, एलिप्स, जो कि यूज़ होता है एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। एट्रीब्यूट जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। अब ये जो है ना एट्रीब्यूट डॉटेड लाइन वाला, ये वो एट्रीब्यूट है जो कि फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि एक आपने एक एंटिटी का आपने एट्रीब्यूट बनाया है, ये एंटिटी है और इसका आगे आपने एक एट्रीब्यूट बनाया है, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट को अगर आप नेक्स्ट भी डिफाइन कर सकते हो तो वो आएगा आपका डॉटेड लाइन में, ठीक है। ये जब हम बनाएंगे तब समझ आएगी, अभी जस्ट इसका एक कंसेप्ट पकड़ लो। फिर है ये डबल लाइन एलिप्स, ये यूज़ होता है मल्टी वैल्यू के लिए। जैसे कि अगर आपको हो के एक बंदे का फ़ोन नंबर आपने लेना है, आप स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर रजिस्टर करो और आप वहाँ पर ऑप्शन दे दो कि जो स्टूडेंट है वो अपने दो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एंटर कर सकते, तो यहाँ पे मल्टी वैल्यूज़ होकर सिंगल वैल्यू नहीं है, तो आप ये डबल ओवल यूज़ करोगे साइन, ठीक है, डबल लाइन ओवल एलिप्स आप यूज़ करोगे। फिर है ये डायमंड शेप, डायमंड शेप जो है ये रिलेशनशिप को शो करता है, रिलेशनशिप जो है इंडिकेट करता है हमारे एंटिटीज़ के दरमियान में। डबल लाइन जो हमारा होता है ये डायमंड, ये यूज़ होता है एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी टाइप एंड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। जो हमारे पास होगा ना सिंगल लाइन डायमंड, ये होगा हमारे पास हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बताने के लिए, और जो हमारे पास डबल लाइन होगा डायमंड वो यूज़ होगा एक वीक एंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान में रिलेशनशिप शो कराने के लिए। फिर हमारे पास ये जो कर्व्ड शेप रेक्टेंगल है राउंडेड एजेस वाला, ये जो है यूज़ होता है ISA को रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। ISA रिलेशनशिप ये होता है, आप इसे कह सकते हो एक्सटेंडेड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि आप लेट्स सपोज कह रहे हो कि आपके पास टीचर्स वर्क कर रहे हैं। अब उन टीचर्स की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक वो हैं जो टेम्पोररी हैं और एक वो हैं जो परमानेंट हैं। तो एक टीचर का मोड है, वो मोड फर्दर डिवाइडेड है, आगे क्लासिफाइड है, तो हम उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, डॉट ऐसे सर्कल लगा के हम यूज़ करते होते हैं ISA रिलेशनशिप को। इसकी टाइप्स हैं, नेक्स्ट हम वो आगे पढ़ लेंगे। अब हमारे पास रेक्टेंगल शेप के अंदर ये जो डायमंड है ये किस चीज़ को शो कराता है, ये एसोसिएशन को शो कराता है कि एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएट कर रही है, ठीक हो गया। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, बेसिक एंटिटी क्या होती है। एंटिटी आप समझ लो कि जैसे कि एक टीचर है, टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। Anything in real world system that is important in the system and has a different set of different attributes or properties. मतलब कि एक ऐसी चीज़ real world system में एक ऐसी important चीज़ जो आगे further classified है, जिसकी आगे properties हैं, उसे हम क्या कहते हैं, entity कहते हैं। Entity कोई भी place हो सकती है, person हो सकता है, object हो सकता है, कोई concept हो सकता है या कोई event भी हो सकता है। अब कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ को हम कहते हैं एंटिटी सेट, यहाँ हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब एंटिटी टाइप, अ कलेक्शन और सेट ऑफ एंटिटीज दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स आर इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। अब एंटिटी टाइप जो है एक जो एंटिटी है, जो एंटिटीज़ हैं, अ सेट और कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, मतलब के एंटिटीज़ का जो सेट है या कलेक्शन है जिनके सेम एट्रीब्यूट्स हों, प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हों, उन्हें हम कहते हैं एंटिटी टाइप। मतलब के हम कह देते हैं अगर डिफरेंट एंटिटीज़ की टाइप सेम है, एक जैसी हैं, तो हम कह देंगे कि ये एंटिटी टाइप हैं, सेम एंटिटी टाइप हैं इनकी, ठीक है। इन्हें हम एंटिटी क्लास भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि रिप्रेजेंट करता है एंटिटी, वेयर एज अ सेट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट एंटिटी टाइप। मतलब कि एक बंदा जो है
एक पर्सन जो है वो एक चीज़ को शो करा रहा है, जब नंबर ऑफ पीपल मिल जाएंगे सेम चीज़ के लिए तो वो क्या हो जाएगी, एंटिटी टाइप हो जाएगी। जैसे कि एम्प्लॉय इनकी एंटिटी टाइप हो जाएगी। अब आगे आता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट होता है कि जैसे कि आप कहते हो कि कलेक्टिवली आप बता दो कि BScS के तमाम स्टूडेंट्स, तो एक एंटिटी सेट हो गया। डेटाबेस की सारी एंटिटीज, तो वो एक एंटिटी सेट हो गया। एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी इंस्टेंस होता है कि किसी एंटिटी के करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़, किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस, और जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। आगे एट्रीब्यूट्स को हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। एक पर्टिकुलर एंटिटी के जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अब हमने अगर स्टूडेंट की डेटाबेस बनाई, स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, उसके लिए हमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और मार्क्स चाहिए होंगे। तो एक कैटेगरी है जिसको फुलफिल करने के लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम डेटा फीड कर रहे थे, हमने पीछे पढ़ा था सिलेक्ट स्टेटमेंट में, जैसे हमने पढ़ा कि सिलेक्ट कर लो इस चीज़ को और आगे इंसर्ट की चलो ले लो आप ऑप्शन। जब हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, तो हम पहले उनकी टाइप क्लासिफाई करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आगे लिख देते हैं, जो हमने रोल नंबर, नेम एटसेट्रा, फिर वैल्यूज़ में उनकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं, तो वो क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन्हीं चीज़ को हम अगर शो कराना चाहें तो ऐसे शो कराते हैं डायग्रामेटिकली। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ एट्रीब्यूट, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का जो आंसर होता है सिंगल होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ का मल्टीपल होता है। मल्टीपल वैल्यू होगी तो हम कह देंगे इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, इसका सिंगल एट्रीब्यूट होगा। कंपोनेंट एट्रीब्यूट उसमें होता है, कम्बिनेशन होता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जैसे कि हमारे पास एज आ जाती है, मतलब कि अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ का पूछ रहे हैं और साथ हम कह दें कि इसकी एज क्या होगी, तो ये आ जाएगा इसके स्टोर्ड एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट डोमेन जो है, द वैल्यूज आर असाइन टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, द एट्रीब्यूट वैल्यूज दैट डिस्क्राइब ईच इंस्टेंट ऑफ एन एंटिटी टाइप बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। देयर एग्जिस्ट अ डोमेन और रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड टू एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट नेम कैन नॉट बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब वो देखो, अब बता रहा है कि एंटिटी जो है उसकी एक वैल्यू उसको असाइन कर दी जाती है, एक रेंज। जैसे कि आप स्टूडेंट का अगर नेम लिख रहे हो, तो स्टूडेंट का नेम आप अल्फ़ाबेट्स में लिखोगे, आप स्टूडेंट का नेम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में नहीं लिख सकते हो। अगर रोल नंबर की बात है, तो रोल नंबर में मोस्टली न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। हो सकता है कि आपने साथ अल्फ़ाबेट्स के कुछ मेंशन किए हों, ऐसे आपने अल्फ़ाबेट साथ लिखे हों, लेकिन स्पेसिफाई कर देना किसी चीज़ को कि वो इस चीज़ में लिखी जाएगी, ये उसकी होती है एट्रीब्यूट की डोमेन सेट करना। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एट्रीब्यूट्स की टाइप। सिंपल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते आगे कंपोनेंट्स, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो कि एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट। इट इज़ ओनली कॉल्ड एन एटॉमिक एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट मार्क्स रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी टाइप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। अब ये देखो, इसको देख के जहन में क्या आ रहा है, ये एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट आगे डिवाइडेड है, तो क्या ये सिंपल एट्रीब्यूट होगा? नहीं, ये सिंपल एट्रीब्यूट नहीं होगा। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट नाम की डेटाबेस बना रही हूँ, उसमें मैं स्टूडेंट जो है मेरा, उसका मैंने बनाया एंटिटी, और आगे मैंने उसका क्लासीफाई कर दिया नेम, उसका रोल नंबर। तो ये देखो, ये सिंपल नहीं, ये आगे किसी चीज़ में डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल एंटिटी हो गया, सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब कि ये एट्रीब्यूट है एड्रेस। मैंने, लेट्स सपोज, मैंने बनाया है स्टूडेंट के नाम का एक एंटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट का मुझे एड्रेस सेव करवाना है, ठीक है, तो उसके आगे मैंने जो हमारी उसका हमने आगे एक बना दिया, अब कह रहे हो कि एट्रीब्यूट बना दिया एड्रेस। अब वो जो एड्रेस है वो फर्दर क्लासिफाइड है कि एड्रेस में मुझे स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, उसका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट एड्रेस में क्या आ जाएगा, उसका स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, उसका हाउस नंबर आ जाएगा, सिटी चाहिए मुझे, उसका जिप कोड या पोस्टल कोड चाहिए, ठीक है। ये सारा आ जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट में। अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होता है एट्रीब्यूट दैट कैन ओनली हैव वन और सिंगल वैल्यू फॉर ईच एंटिटी इंस्टेंस, मतलब कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसका आगे सिर्फ एक ही आप कह लो कि वैल्यू है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि आप देखो, अगर नेम है,
आपने नेम मांगा किसी बंदे का, तो उसका नेम कोई एग्जैक्ट नेम ही होगा। ये तो नहीं होगा कि हम कह देंगे कि भाई इसका नेम ये भी है, इसका नेम आमिर भी है, इसका नाम अदील भी है, ऐसा नहीं हो सकता। उसका कलेक्टिवली नाम आमिर अदील हो सकता है, लेकिन उसके दो दो नाम नहीं हो सकते सेपरेटली। तो ये होता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से होते हैं कि आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हो और आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप ऑप्शन देते हो कि भाई दो तीन हो सकते हैं, तो ये आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारा। ठीक है, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, यहाँ पर हमारा नेम और रोल नंबर आ सकता है। इसमें सिंगल वैल्यूड में हमारे पास आ सकता है नेम, ये इसके लिए मैंने बनाई है। इसमें आ सकता है हमारे पास नेम आ सकता है, रोल नंबर आ सकता है, क्लास आ सकती है। फिर आता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट जो है डेटाबेस में, जो हमारे डेटाबेस में एट्रीब्यूट स्टोर किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। फिर है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट में से डिराइव हुआ हो और डिफाइन किया हो, किसी और से फेच किया हो, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होता है जैसे हम प्राइमरी की लगाते हैं ना अपने एसक्यूएल में, वैसे ही आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हमारी प्राइमरी कीज होती है, एक तरह से आप समझ लो, जो कि हमारे जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें खास करते हैं उनकी पहचान के लिए। ठीक है, होते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। फिर आते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को डायमंड से हम शो करते हैं। ये क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट का लिंक जो है उसे हम शो कराते हैं रिलेशनशिप में। अब जो रिलेशनशिप्स होते हैं, डिग्री नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआर कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स। अब देखो रिलेशनशिप कैसे आप डिफाइन करते हो कि एक जो मैनेजर है वो क्या करता है, एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, तो आपने मैनेज का बना दिया रिलेशन। एक ऑथर है, उसका बुक के साथ क्या रिलेशन है कि वो बुक को राइट कर सकता है। एक पब्लिशर का बुक के साथ क्या सकते हैं कि बुक को पब्लिश करता है। ऐसे ही आप बनाते हो रिलेशनशिप। अब तीन तरह के होते हैं, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी रिलेशनशिप, मोर देन टू एंटिटीज में होती हैं। बाइनरी में आ जाते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। अब वन टू वन रिलेशनशिप कैसे कह सकते हो आप कि जैसे एक ही कंट्री है और एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है, तो ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। एक जो कॉलेज है, एक एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है, ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक जो स्टूडेंट है उसके डिफरेंट टेलीफोन नंबर हो सकते हैं। आ स्टूडेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टेलीफोन, डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स, या आप क्रोफिट लगा देते हो, इसे हम क्रोफिट कहते हैं। लाइन है उसके आगे ऐसे, सिंपली बता दूँ कि ऐसे ग्रेटर देन का साइन आप कह सकते हो, हम लगा देते हैं लेस देन का कह लो, अगर इस तरफ से आप देख रहे हो तो लेस देन का, जस्ट देख रहे हो तो ग्रेटर देन का। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट टेलीफोन नंबर रख सकते, तो ये हो गया वन टू मैनी। एक स्टूडेंट, स्टूडेंट एक है और कितने टेलीफोन नंबर हैं, डिफरेंट टेलीफोन नंबर जो हैं वो रख सकता है। एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, तो ये रिलेशन कौन सा हुआ, वन टू मैनी का। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, हो सकता है कि एक नेफ्यू जो है उसके डिफरेंट अंकल हों, और जो अंकल हों, एक अंकल हो उसके डिफरेंट नेफ्यूज हो, मतलब कि एट अ टाइम किसी एक नेफ्यू के अंकल ज़्यादा हो सकते हैं और किसी अंकल के नेफ्यू ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरे जो मामू हैं, ठीक है, मेरे जितने मामू हैं, तीन चार मामू हैं मेरे, ठीक है, तो मैं तो एक बंदी हूँ, लेकिन मेरे मामू कितने हैं, तीन मामू हो गए मेरे, मतलब मोर देन टू हो गए, मैनी हो गए। अब जो मेरे मामू हैं उनकी आके बहनें भी तो काफ़ी हैं, तो उनकी बहनों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हुए, तो उनकी काफ़ी सारी नीस एंड नेफ्यूज़ हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीपल पीपल हैं, यहाँ पर भी मल्टीपल पीपल हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैंडेटरी रिलेशनशिप, कि काफ़ी ज़्यादा अंकल भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अंकल के काफ़ी सारे नेफ्यूज़ भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेफ्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा अंकल भी हो सकते हैं। समझ आई ना ये चीज़ आपको, क्लियर कट बताती हूँ कि मैं एक पर्सन हूँ, मेरे कितने सारे मामू हैं, लेकिन जो मेरे मामू हैं ना उनके भी आगे काफ़ी सारे हैं नीस, मेरे अलावा भी उनके काफ़ी सारे नीस हैं, उनके नेफ्यूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर। एक जो पेशेंट है वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के जरिए चेक हो सकता है, जो भी डॉक्टर अवेलेबल होगा वो चेक कर सकता है। एक जो डॉक्टर है वो भी काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखता है। ये हो गया मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हमारा। ये मैनी टू मैनी के ही जो है क्या कहते हैं हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं सारे। अब नेक्स्ट है यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो एक ही एंटिटी के अंदर बनते हैं। जैसे कि आप देखो, एक जो पर्सन है वो मैरिड होता है एक ही पर्सन से, मतलब एक पर्सन एक एंटिटी या पर्सन में मेल और फीमेल दोनों हो जाते हैं, तो एक पर्सन जो है वो किसी पर्सन से ही मैरी करता है, तो ये एक ही एंटिटी के वन टू वन रिलेशनशिप हो गया कि एक पर्सन जो है वो एक पर्सन से मैरी करता है। अब आप यहाँ पर वो ना लगा देना कि भाई चार चार शादियाँ हो सकती हैं, वो एक अलग सीन है, ये एक सिंपल बात हो रही है कि एक पर्सन जो है एक पर्सन से शादी करता है। अब वन टू मैनी यूनरी रिलेशनशिप, एक ही
एंटिटी के अंदर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, मैनी रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू मैनी यून रिलेशनशिप, जो एक ही एट्रीब्यूट एक ही एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे कि एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है। जैसे कि एक मैनेजर आप हायर करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका CEO है, उस CEO ने पहला एम्प्लॉय जो है वो अपना मैनेजर हायर किया। अब उस मैनेजर के ज़रिए उसने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हायर किए। अब इस CEO के लिए तो ये मैनेजर भी एम्प्लॉय है और बाकी सारे भी एम्प्लॉय हैं, तो मैनेजर भी किस कैटेगरी में है, एम्प्लॉय में। मतलब कि एक एम्प्लॉय जो है वो बाकी एम्प्लॉय को मैनेज करता है, उसने इससे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बताएं कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी यून रिलेशनशिप्स, मतलब कि एक एंटिटी के मैनी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं, मतलब कि एक ही एंटिटी में रहते हुए मैनी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। यानी कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत से डॉक्टर्स के जरिए ट्रीट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हो, अगर इसको और डिफाइन करूँ कि जैसे कि एक पर्सन है जो कि एक डॉक्टर है ENT का, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है हार्ट का। दोनों जो हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डॉक्टर्स ही हैं। अब ENT वाले को अगर हार्ट का मसला होता है, खुदा ना खासा, तो ये जाएगा हार्ट के डॉक्टर के पास। अगर हार्ट के डॉक्टर को ENT का मसला हो रहा है तो ये ENT वाले डॉक्टर के पास जाएगा। तो मतलब एंटिटी कौन सी है, क्लासिफिक उनकी क्लास कौन सी है, डॉक्टर की ही है, लेकिन आगे कैटेगरीज उनके डिफरेंट हैं। तो मैनी डॉक्टर्स जो हैं ENT के, वो मैनी डॉक्टर से ट्रीट हो सकते हैं, और मैनी डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी, मतलब कि ज़्यादातर हार्ट के, यार देखो हमारे पास हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो ENT के डॉक्टर्स हैं। तो वो ENT के डॉक्टर तो हैं, लेकिन वो पेशेंट किसके हैं, हार्ट के, जिसका डॉक्टर कोई और है, तो वो किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। एक डॉक्टर की एंटिटी के अंदर ही है ना, दोनों हैं तो डॉक्टर ही, लेकिन मसले मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे के साथ रब्ता करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मैं डिफाइन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछना दोबारा कमेंट में, आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी मज़ीद। अब यहाँ पर है टर्नरी रिलेशनशिप्स, जो तीन रिलेशनशिप आप कह दो कि बन सकते हैं। आज टर्नरी रिलेशनशिप इज अ सिमल्टेनियस रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ थ्री एंटिटी टाइप्स। इट मीन्स दैट थ्री एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि तीन तरह की एंटिटी टाइप्स जो हैं वो इसमें रोल अपना प्ले करती हैं। जैसे कि एक सप्लायर है, एक पार्ट टाइम जॉब करने वाला है, और एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट की अलग एंटिटी है, सप्लायर की अलग एंटिटी है, पार्ट टाइम जॉब करने वाले की अलग एंटिटी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मिलके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तीन लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टर्नरी रिलेशनशिप हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।